नमस्कार, बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन में सबसे पहले बात भोपाल की होगी। बड़ी खबर आ रही है, भोपाल में 20 जनवरी से BRTS हटेगा। बैरागढ़ से BRTS हटाने का काम शुरू होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्य योजना पर चर्चा की है और समय में तय समय पर BRTS हटाने का काम किया जाए, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। रात में ही BRTS हटाने का काम हो, सुरक्षित ट्रैफिक व्यवस्था भी सुनिश्चित हो, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कहा गया है कि जो तय समय है उसके हिसाब से कार्य पूरा हो जाना चाहिए। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, BRTS कार्य को लेकर कहा गया है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो समय तय किया गया है उसी तय समय में कार्य हो जाना चाहिए, विलंब नहीं होना चाहिए, और क्या कुछ कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से? देखिए, बिल्कुल 13 साल पहले शहर की जरूरतों के लिहाज से इस BRTS कॉरिडोर का निर्माण किया गया था। 3 अलग अलग इलाकों में ये BRTS कॉरिडोर जो है वो बना हुआ है, और ऐसे में अब इसको हटाया जाना, जिन इलाकों से हटाया जाना है वो प्रमुख स्थल है, चाहे वह होशंगाबाद रोड हो, बैरागढ़ रोड हो या कलेक्टर दफ्तर के आसपास का वो इलाका हो, बेहद व्यस्तम इलाका। और यही कारण है कि साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि समय सीमा के अंदर ही ये BRTS कॉरिडोर हट जाना चाहिए, और उसके बाद जो 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 और आवश्यक कार्य होने हैं, क्योंकि देखिए बताया जा रहा है कि बीच में एक डिवाइडर रोडों पर दिया जाएगा, तो डिवाइडर भी समय सीमा में उनका निर्माण हो जाए, और जिस दौरान BRTS कॉरिडोर हटाए जाएंगे उस दौरान किसी तरह की यातायात में कोई समस्या ना हो, इसके भी जो सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब शपथ ली थी उसके कुछ दिनों बाद ही जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक हुई थी, और बैठक के बाद यह निर्णय हुआ था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से BRTS कॉरिडोर को हटाया जाएगा। लेकिन कैसे वो हटाएगा, क्या कुछ प्लान है, इसको लेकर साफ निर्देश दिए गए थे। तो एक बड़ा एक्शन प्लान जो है, 3 अलग अलग प्लान जो है वो तैयार किए गए थे किस तरीके से इसको हटाया जाना है, और जो प्रमुख सचिव है बीरा राणा उनके नेतृत्व में ये पूरा प्लान तैयार हुआ था, और अब से कुछ देर पहले ही मंत्रालय में जो तमाम अधिकारी उनके साथ बैठक हुई डॉक्टर मोहन यादव की, और साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इस BRTS कॉरिडोर के हटाने के दौरान। 20 जनवरी से इसको हटाने का काम जो है वो प्रारंभ किया जाएगा। सबसे पहले बैरागढ़ इलाके से इसको हटाना शुरू होगा, और उसके बाद होशंगाबाद रोड और कलेक्टर रोड इलाके में इस BRTS को हटाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि BRTS कॉरिडोर का काफी ज्यादा जगह घेर रहा था, और ऐसे में दबाव वाहनों का जो है वो आसपास की सड़कों पर पड़ रहा था, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती थी। तो राजधानी में स्मूथ तरीके से ट्रैफिक चले, इसको लेकर अभी निर्णय लिया गया है कि अब BRTS कॉरिडोर हटाया जाएगा और उसकी जगह केवल एक सिंगल डिवाइडर तैयार किया जाएगा, और 20 जनवरी से काम शुरू हो जाएगा। जी, लेकिन अगर कुछ रिकॉर्ड्स को देखा जाए बीते सालों के, तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल घटनाएं देखने को मिली हैं, और खास तौर पर 2-व्हीलर्स बहुत ज्यादा एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में इस फैसले को कितना अहम माना जा सकता है? अब हादसों पर भी लगाम लगेगा? देखिए, निश्चित तौर पर, देखिए BRTS कॉरिडोर जो है वो जो बीच का रास्ता है उस रास्ते से केवल सरकारी वाहन, जो लो फ्लोर बसें हैं वो, इसके अलावा एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक वाहन है केवल वही निकलते थे, और उसके आसपास जो दोस्त प्रमुख सड़क है उन पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव बहुत अधिक रहता था, और यही कारण है कि कई बार इसमें सड़क हादसे भी सामने आते थे। तो निश्चित तौर पर जब राजधानी की सड़कें चौड़ी होगी, लोगों को चलने के लिए पर्याप्त स्थान मिलेगा, तो इस तरह के जो सड़क हादसे उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सकेगा। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो